दे इज अ वेट लॉस जोक दैट आई रियली एन्जॉय आई हैव बीन ऑन अ डायट फॉर टू वीक्स एंड ऑल दैट आई है फोर्टीन डेज तो ऐसे लेकिन हम अपने लाइफ में ना कितनी बार करते हैं कि टेम्प्ररि एक डाइट प्रोग्राम पर चले जाते हैं दो महीने के लिए तीन महीने के लिए यह सोच के कि इट्स ओके इट्स अ स्मॉल सेक्रीफाइस इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स एंड वंस आई लूज द वेट दैन वी कैन कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ But again and again we get the same result, which is number one, it's so boring to be on diets. Number two, we are it's like we put our life on a pause. Number three, mood. it's not jab dieting. Because food has been a pleasure which we are denying ourselves. So it's a sacrifice. It's a sacrifice. And lastly, once we are through with the program, even though we might have been feeling awesome and really good about having lost all those inches, but it doesn't last, and we just go back to our old habits and we go back to our old body. And then what happens is that we start to hate ourselves or to look down at ourselves a little bit more. खुद के ऊपर वो जो फीलिंग आती है ना कि गुड इनफ मेरे में विल पावर भी नहीं है मैं कर ही नहीं सकती वो होपलेसनेस ना थोड़ी सी बढ़ जाती है लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है मेरे और हम सभी के साथ होता है क्योंकि ऐसा ही होना पड़ेगा अगर हम कभी भी ये प्लान बनाएंगे कि हम वेट लॉस के लिए कुछ टेम्प्रेरी चेंज करेंगे और उसके बाद जब नॉर्मल लाइफ पे वापस जाएंगे तो भी वो टेम्प्रेरी चेंज की वजह से जो बेनिफिट मिला था वो हमें मिलता चला जाएगा ये कभी भी नहीं हो सकता और इसीलिए हमें एक बहुत ही ना बड़ा डिसीज़न लेना पड़ता है लाइफ के अंदर और वो डिसीज़न होता सिंपल है पर बहुत बड़ा है कि मैं अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाऊंगी सिंपल है खुद को प्रायोरिटाइज़ करूँगी अपने आप को अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस क्योंकि हेल्थ और हैप्पीनेस हमेशा साथ में चलते हैं तो अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को एक प्रायोरिटी बनाऊँगी लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है बहुत सारी मेरे मुझ जैसी मेरी फ्रेंड्स के लिए इसकी डिफ़िकल्टी कहाँ से आती है शायद ये तो पूरा एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक हो सकता है वाई विमेन फाइंड इट सो हार्ड टू प्रायोरिटाइज दम सेल्व देर ओन हैप्पीनेस एंड देयर ओन हेल्थ लेट्स नॉट गो दैन ये करते हैं कि लेकिन अगर हमें ये समझ में आ गया कि यार ये करना तो पड़ेगा क्योंकि ये जिस तरह से चलता आ रहा है ना ये बहुत सालों तक आगे चलेगा नहीं जब तक यूथ और उम्र हमारे साथ है तब तक तो हम खींच लेते इस गाड़ी को कि अपने घर परिवार फाइनेंसेस बच्चे रिश्ते इन सभी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते चले जाते हैं और खुद को और ख़ुद की हेल्थ और हैप्पीनेस को नीचे रखते हैं लेकिन वक्त तो बढ़ता जा रहा है और उम्र बढ़ती जा रही है और एक समय आएगा जब आपका शरीर अब आपको माफ़ नहीं करेगा और वो जितने भी दौड़ते भागते हुए कुछ कुछ मुंह में डाल लिया खा लिया ठीक से ना खाए ना आराम किए फिक्र करते रहे या अपने इच्छाओं को मारने से जो अंदर स्ट्रेस हो रहा था या उदासी आ रही थी या गुस्सा आ रहा था वो सब चीज़ें उन सब चीज़ों का एक फिज़िकल मैनिफेस्टेशन हमारे शरीर में आ जाएगा और वो कोई ना कोई बीमारी या तकलीफ बन जाएगी शरीर की और ये तो बहुत अच्छी बात नहीं और जब हम पचास साल के हुए हैं और उसके बाद हमारे घुटने तंग कर रहे हैं या कोई क्रॉनिक आईबीएस हो गया है या सब कुछ भी चीज़ हो गई है तो फिर तो सिर्फ एक रिग्रेट ही हो सकता है अफसोस ही हो सकता है ऐसा नहीं कि पचास के बाद हम हेल्थ अपने हाथ में नहीं ले सकते डेफिनेटली ले सकते हैं उम्र बहुत लंबी है मैं तो इंसान की एवरेज एज सौ साल ही मानती हूँ पर भी अगर हम बीस तीस और चालीस में ही चेत जाए तो इसमें क्या हर्ज है और इसीलिए आज का टॉपिक है कि किस तरह हम लेडीज जो कि हाउस होल्डर्स हैं गृहस्थ हैं गृहस्थ होने के बाद भी हमारे पास फुल ब्लोन करियर्स हो सकते हैं आपके और मेरे पास भी होंगे लेकिन अगर हम गृहस्थ हैं तो कैसे फिर भी खुद को हमें प्रायोरिटी देनी है अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को तो आपका क्या आइडिया है कि आप आज ऐसी कोई चीज छोटी सी कर सकते हैं अपने जीवन में कैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं और ये चीज़ ना हम बड़े ही सिस्टमैटिकली मेरे द बॉडी निर्वाणा कोर्स में भी करते हैं द बॉडी निर्वाणा इज़ अबाउट मेरी जो बुक है उसको बैकबोन बनाकर हम एट वीक्स का एक होलिस्टिक हेल्थ हैप्पीनेस एंड वेट लॉस का कोर्स करते हैं हर हफ्ते हम नए नए स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं ताकि धीरे धीरे दो महीनों में हमारी आदतें ही ऐसे धीरे ऐसे बदल जाएं कि ना कभी झगड़ा करना पड़े ना तलवार उठानी पड़े सो एनी वे कमिंग बैक तो uh, कुछ एग्जाम्पल्स कि हम कैसे अपने आप को दिखा सकते हैं कि हाँ मैं भी एक प्रायोरिटी हूँ नंबर वन लेफ्ट ओवर्स मत खाइए जिनको तीन चार दिन हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए जान प्राण निकल चुके हैं उनके उनसे अपना शरीर बनाना अपने बॉडी का रिपेयर और मेंटेनेंस करना कितना डिफ़िकल्ट है Let, we will not torture our body. हम इतना ज़्यादा demand नहीं करेंगे अपने आप से और हम leftovers नहीं खाएंगे So that can be one way. और इससे related कितने सारे हैं ना food related जो आप खुद ही सोच सकते हो एक और होता है कि मैं कोई ना कोई ऐसी physical activity करूँगी जो कि मुझे करना बहुत अच्छा लगता है और हमेशा से अच्छा लगता है मैं सोचूंगी इस बारे में जस्ट बिकॉज कि मेरे सारे फ्रेंड्स जुम्बा क्लास को जॉइन करे हैं या वो ईजी है ज्वाइन करना इसलिए नहीं करूँगी या फिर आ, हम सब वॉक पे ही जाते हैं वो लोग सुबह सुबह तो वो मैं सुबह टाइम नहीं निकाल सकती तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हम ऐसा नहीं करेंगे हम अपनी पसंद और उसके बारे में सोचते हुए उस हिसाब से फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे जो कि हम इंटेंसली करेंगे हल्का पसीना निकलना चाहिए करेंगे बड़ा मज़ा आएगा ऐसे तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना एक्टिविटी रिलेटेड आप कितनी सारी और तरीके से खुद को ऑनर कर सकते हैं इसके अलावा हम एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने कमरे में जिंदगी में नहीं इतना मेटाफोरिकल नहीं बात कर रही हूँ पर कमरे में ऑफिस के डेस्क पे कहीं पर भी जहाँ पर कि मैं खुद ही को ऑनर करती हूँ मेरी पसंद मेरे एम्बिशंस मेरे सपने मेरी जस्ट फेवरेट चीजें उन्हें रखती हूँ और वहाँ जाती हूँ बैठती हूँ और खुद के साथ कुछ समय बिताती हूँ और बड़ा ही लुत्फ उठाती हूँ अपने साथ बैठने का इस तरह से हम डिजाइन या स्पेस के थ्रू भी खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ये दिखा सकते हैं तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि वेट लॉस जो है इतना बड़ा स्ट्रगल इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं ये चेंज जो है ना ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपने आप को ही एक वैल्यू दें प्रायोरिटी दें और जिस दिन हम ये करने लग जाते हैं तो वेट लॉस क्या है वो तो हो ही जाएगा क्योंकि वो तो हमारी नेचुरल अवस्था है ना वेट लॉस का तो मतलब ये थोड़ी है कि मुझे किसी हीरोइन की तरह जीरो साइज होना है ज़ीरो क्यों भाई अंदर पेट के आसपास अंतड़ियाँ वगैरह इतने सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जगह बना के दूंगी मैं उन्हें हो सकता है कि उम्र के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट भी अलाउ करूँगी खुद को लेकिन एक रीज़नेबल शेप वेट और एनर्जी और स्टेमिना और इम्यूनिटी ये ज़रूर मुझे मैं डिमांड करूँगी खुद से अपने लिए तो इस ये सब तो हो ही जाएगा नेचुरली जब मैं इस तरह से खुद को प्रायोरिटी दूंगी और इम्पोर्टेंस दूंगी और जब मैं खुश तो मुझे प्यार करने वाले भी खुश जब मैं ग्रम्पी ग्राउची इरिटेबल बीमार ना खुश अपनी ज़िंदगी से तो वही मेरे रिश्तों में दिखता है वही मेरी बातों में आता है वही वाइब्रेशन होती है घर के अंदर लेकिन मैं खुश मैं हेल्दी तो वही चीज़ें वही पॉजिटिविटी वही एनर्जी मेरे घर परिवार रिश्ते करियर हर चीज़ में आ जाती है तो ये ट्राई करके देखिए ना